नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहां पहली बड़ी बारिश में नरसिंहपुर आरईएस की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। जी हां, अधूरे निर्माण के कारण महिला महाविद्यालय का आवागमन प्रभावित हुआ है। जी हां, पूरा मामला नरसिंहपुर का, जहां नरसिंहपुर के स्टेशन पुलिस लाइन पर स्थित महिला महाविद्यालय के आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह बड़ी लापरवाही आरईएस की सामने निकलकर आई है, जिनके अधूरे निर्माण के चलते पानी का बहाव वहां पर भर चुका है और पूरा पानी वहां पर इकट्ठा हो गया, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। नरसिंहपुर के श्याम सुंदर नारायण मुसरान महिला महाविद्यालय में आरईएस विभाग की घोर लापरवाही के चलते कॉलेज के आसपास और सड़क पर पानी भर जाने के कारण छात्राओं और महाविद्यालय के स्टाफ को निकलना दूभर हो गया है। महाविद्यालय गेट के आसपास और रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। उक्त विभाग ने रोड और नाली का निर्माण का आधा अधूरा कार्य छोड़कर यह स्थिति पैदा की है, जिसके चलते हादसा भी हो सकता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में पानी यहां पर भरा हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय प्रशासन कई बार इसकी शिकायत संबंधित से कर चुका है, इसके बाद भी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग नरसिंहपुर ने इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं कलेक्टर वेद प्रकाश का कहना है, मैं इसको अति शीघ्र दिखवाता हूँ। जो रास्ता है वहाँ दो एक जगह नाला है, जहाँ पे लोग बाग गिर रहे हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गिर जाते हैं वहाँ पे, निकलने भी गाड़ी निकलती ही नहीं है वहाँ। वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ, जिसमें यहाँ पे एक पुल है, छोटा सा नाला है जो बहुत ज़्यादा डीप है, गहरा है। आज मैं उसमें गिरते गिरते बच गई हूँ, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का नाला बनवाएं, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट है, टीचर है, स्टाफ है, यहाँ इनको कोई भी दिक्कत ना हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ का नाला और इसकी रोड जल्दी से जल्दी बनवाएं। थैंक यू। जी हाँ, तो यह पूरा मामला था नरसिंहपुर का, जहाँ आरईएस की बड़ी लापरवाही पहली बड़ी बारिश में ही उजागर हुई है। नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट।